नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरी ओर से आप सभी को जोहार। आज 23 अगस्त जानते हैं आप लोग, आज का डेट 23 अगस्त। आज के दिन हमारे पद्मश्री धारक डॉक्टर रामदयाल मुंडा इस पृथ्वी में आए थे। इनका जन्म हुआ था ड्यूड़ी मंदिर नामक ग्राम में, ड्यूड़ी नामक ग्राम में। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है माँ दुर्गा का, जिसे आप लोग ड्यूड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये हमारे कैप्टन को अक्सर अक्सर आया करते हैं यहाँ पे, जो इंडियन टीम के कैप्टन थे और हमेशा रहेंगे, पर अभी इन्होंने जस्ट ही संन्यास की घोषणा कर दी है। इनके परिवार के, इनकी जो वाइफ है, जीवन साथी है, उनका नाम था अमिता मुंडा। उन दोनों से एक संतान, इनका नाम है गुंजल इकेर मुंडा। इनका नाम में ही आप जान सकते हैं कि ये गुंजल इकेर जो एक मुंडारी नाम है, ये एक जिसमें आप लोग मुंडारी संस्कृति और कला की झलक दिखती है आपकी। सबसे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा प्रारंभिक जीवन कैसा था उनका, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद ये कहाँ गए युवावस्था में उच्च शिक्षा के लिए। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो स्टार्टिंग में है, वो 23 अगस्त 1939 ड्यूड़ी तमाड़ रांची से होती है, और ये स्कूल जाते हैं आमलेसा लुथरन मिशन स्कूल 1953। ये आज़ादी से पहले की बात है, और ये मिडिल स्कूल की पढ़ाई करते हैं खूंटी हाई स्कूल से, और इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया मानव विज्ञान में। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप के तहत ये शिकागो विश्वविद्यालय चले जाते हैं, जो है अमेरिका में स्थित हैं। वहाँ से इन्होंने भाषा विज्ञान में PhD की। इनके द्वारा बहुत सारे उल्लेखनीय हैं, मतलब इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने आदिवासियों के लिए आदि धर्म सरहुल मंत्र, जो सरहुल पर्व में गाए जाने वाले मंत्र है, इन्होंने उनके ऊपर भी किताब लिखे हैं। हिसीर हो गया, फिर मुंडारी नई कहानियाँ, मुंडारी की जो हमारे जनजातीय की, हमारे आदिवासी समाज की, इससे बहुत सारे आदिवासी समाज हैं जो मतलब झारखंड में रहते हैं, उन्होंने उन सब से कहानियाँ लिखी यहाँ पर। ये मुंडारियों की नई कहानियाँ, बाकी और भी इन्होंने लिखी है आदिवासियों से रिलेटेड। नदी संबंधी गीत लिखे, आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। इनका साहित्य हमें बहुत पहले ही प्राकृतिक ग्रंथ वगैरह सबसे मिल चुका है आदिवासियों से रिलेटेड। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो ये नदी से रिलेटेड इनके संबंधित गीत भी हैं। और इन्होंने झारखंड मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, और इन्होंने साहित्यिक आंदोलन भी किए थे जो कला के क्षेत्र में होते हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में भाग लिया था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, और इन्होंने 1987 में सोवियत संघ में हुए भारत महोत्सव में मुंडा पाइका नृत्य के साथ भारत सांस्कृतिक दल का नेतृत्व किया था। तो 1987 के उस टाइम में रोल ये होता था कि अपने साथ सामान आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते, कुछ लिमिटेड वेट ही आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ बहुत ले जा रहे हैं, जो भी है अपने साथ रहने कपड़े वपड़े या अपने ये सब सारे, ऐसा नहीं ले जा सकते, एक लिमिटेड वेट आप ले जाने के लिए आपको अलाउ करती है। पर इन्होंने उस टाइम पे पाइका नृत्य जो इनका दल था पूरा, उन्होंने उसके लिए जो पारंपरिक जो होते हैं, जैसा कि मादर हो गए, वाद्य यंत्र आपके बांसुरी हो गए, ऐसे और बहुत सारे वाद्य यंत्र अपने साथ ले गए थे बहुत भारी मात्रा में। इन्होंने उसके बाद फिलीपींस, चीन और जापान का भी दौरा किया। इसके बाद ये आ जाते हैं अपने भारत। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कुमार सुरेश के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की, जो कि उस समय के लिए प्रथम होगा शायद क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना।
क्षेत्रीय भाषा विभाग मतलब उस क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भी भाषाएं हैं उनको आगे लाने के लिए जो विभाग की स्थापना की गई थी वो ही क्षेत्रीय भाषा विभाग थे। ठीक है, आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं। जब ये युवा अवस्था में थे तब ये अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए गए हुए थे। तो ये वहाँ पे इतने स्कॉलर थे कि इनसे वहाँ के टीचर काफी प्रभावित हो गए। तो इनके टैलेंट को देखते हुए 1980 का मतलब 1980 को वहाँ के इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर इनको बना दिया जाता है। फिर ये कुछ दिनों के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा आ जाते हैं। विजिटिंग मतलब वो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो पढ़ाते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये फिर से भारत प्रेमी, फिर से ये रिटर्न आ जाते हैं। ये आ जाते हैं आपके रांची विश्वविद्यालय में, उप कुलपति का भार संभालते हैं। ये 1985 से लेकर 86 तक 1 साल तक उप कुलपति के पद पर रहते हैं। इनके कार्य काफी मतलब इनके कार्य को देखते हुए इन्हें दोबारा कुलपति के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है रांची विश्वविद्यालय के ही। ये वहां भी रहते हैं 2 साल, वहां कुलपति के पद पर रहते हैं। और इन्होंने कुलपति के पद पर रहते हुए बहुत सारे विद्यार्थियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ये अध्यक्ष और संरक्षक भी रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं विश्व आदिवासी संगम के 1997 से लेकर 2008 तक। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के फाइनेंस कमेटी के सदस्य भी थे जो आपके 1998 में जो हुई थी वित्त मंत्रालय के, उसकी ये सदस्य भी रह चुके हैं। और ये राज्यसभा सदस्य मनोनीत भी है मार्च 2010 में। ये मनोनीत सदस्य कुछ स्पेशल क्षेत्र से होते हैं, ये कई चुनाव होना से जीत के नहीं आते हैं। ये मनोनीत सदस्य ये स्पेशल कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, मतलब स्पेशल जो भी है उनके उधर से ये चुन के आते हैं, रिकमेंड किया जाते हैं ये। और इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं, जिसमें से ये दो प्रमुख हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये संगीत नाटक एकेडमी सम्मान 2007 को इन्हें मिला था। ये संगीत के क्षेत्र में बहुत ही उच्च लेवल की ये एकेडमी अवार्ड है। इसके बाद इन्हें पद्मश्री मिलता है 2010 में। ये इंडिया का उच्च अवार्ड माना जाता है पद्मश्री, पद्म भूषण। और इनके द्वारा जो काम किया गया वो काफी सराहनीय है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक शिक्षक तो थे ही, ये प्रोफेसर थे ही, प्लस प्रोफेसर के साथ साथ ये कलाकार भी थे। क्योंकि जब भी ये कहीं भी कला के क्षेत्र में कुछ अपनी रुचि हमेशा दिखाते रहते थे। ये लेखक भी थे, इनके बहुत सारे लेख मतलब बुक छपी हुई हैं। ये कवि भी थे, कविताएं लिखते थे नदी पे, पहाड़ पे। ये आंदोलनकारी थे और राजनेता की भूमिका में एक साथ भली भांति सुशोभित होते हैं। इन्होंने भारत और झारखंड के लिए अत्यंत योगदान दिया, परंतु उनके कार्यों की सराहना उतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। इनके बांसुरी की धुन आज भी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बांसुरी की धुन तो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। इन्होंने मुंडारी, नागपुरी, पंचप्रज्ञ, हिंदी, अंग्रेजी में गीत कविताओं के अलावा ग्रंथ साहित्य की भी रचना की। ये सब तो इन्होंने किया है, इनपे तो इन्होंने सारी कविताएं लिखी, बुक भी लिखी, प्लस इनके साथ साथ इन्होंने ग्रंथ साहित्य की भी रचना करी है। इनकी संगीत रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय है। आदिवासी समाज में इनकी एक विशेष पहचान है। इनकी जो लिखी किताबें और संगीत रचनाएं आज भी काफी प्रचलित है, अभी भी लोग इसका डिमांड करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने में डॉक्टर मुंडा का सबसे अहम योगदान रहा है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। ये जब भी ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था तो हम ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नए नए आडिया के तहत ये लोगों को संस्कृति से अवगत कराते थे, लोगों को जानकारी देते थे कि आदिवासी समाज को दुनिया के सामने लाते थे।
डॉक्टर मुंडा का 30 सितंबर शुक्रवार का दिन था। उस दिन 2011 को इनके अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ये भगवान के पास चले जाते हैं। ये डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर शुक्रवार का दिन था 2011 को अपोलो हॉस्पिटल में। इनकी लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बांसुरी की आवाज आज भी इतनी सुरीली है कि ये आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। ये छोटा सा वीडियो मैंने आप सभी के लिए लाया हुआ है। अगर आपने इनकी आवाज और इनकी बांसुरी की कला अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं हमेशा देखता हूँ, आप भी देखें, शायद आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। Dolang se roga na santi sunt